दुनिया ने आज एक प्रखर वक्ता और दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार सुषमा स्वराज को खो दिया। सुषमा स्वराज एक ऐसी नेता थी जिन्होंने अपनी कार्यशैली से सबको दीवाना बना रखा था। मोदी सरकार में बतौर विदेश मंत्री उनका कार्यकाल काफी सफल रहा। ट्विटर के जरिए विदेश में फंसे ढेरों भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए विशेष प्रबंध कराने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सुषमा स्वराज ने विदेश में बसे कई लोगों की मुश्किल भरी राह आसान की थी। 26 अक्टूबर 2015 को सुषमा स्वराज के प्रयासों की वजह से मूक बधिर लड़की गीता की एक दशक के बाद पाकिस्तान से स्वदेश वापसी हो सकी। इसके अगले ही दिन उसे इंदौर में मूक बधिरों के लिए चलाई जा रही गैर सरकारी संस्था के आवासीय परिसर में भेज दिया गया। बाद में उसके परिजनों की तलाश भी की गई। 2016 में एक भारतीय महिला अपनी 8 साल की बेटी के साथ मुसीबत में आ गई और उसे ससुराल वालों की वजह से जर्मनी के एक रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर होना पड़ा। महिला ने सुषमा स्वराज से मदद की अपील की। बाद में फरवरी की उनकी स्वदेश वापसी हुई। 2016 में ही उन्होंने सऊदी अरब में फंसे हजारों भारतीय कार्यकर्ताओं की सकुशल भारत वापसी का प्रबंध कराकर उनकी जान बचाई थी। 10 मई 2018 को फिलीपींस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक कश्मीरी छात्र ने सुषमा स्वराज से नए पासपोर्ट के लिए मदद मांगी थी, लेकिन उसकी प्रोफाइल पर लोकेशन भारत अधिकृत कश्मीर लिखा हुआ था, जिस पर सुषमा ने आपत्ति जताई। बाद में उसने लोकेशन सही कर दिया और फिर सुषमा ने मनीला स्थित भारतीय दूतावास से छात्र की मदद करने के लिए कहा था। 19 अक्टूबर 2017 दिवाली पर पाकिस्तान की सुमैरा हमद मलिक ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट कर मदद मांगी थी। सुमैरा अपने कैंसर पीड़ित भाई तैमूर उल हसन के इलाज के लिए वीजा दिलाने का अनुरोध कर रही थी। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद वीजा नहीं मिला तो उसने सुषमा स्वराज को ट्वीट किया और इसके महज 24 घंटे के अंदर ही उसे भारत आने का वीजा मिल गया। 2016 में 4 दिसंबर को मुंबई के डॉक्टर मुफ्फी लकड़वाला ने मिस्र की ईमान अहमद की तस्वीर के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट के जरिए मदद मांगी। 2 दिन बाद 6 दिसंबर को डॉक्टर लकड़वाला ने जानकारी दी कि काहिरा में भारतीय दूतावास ने उन्हें बताया कि ईमान को मेडिकल वीजा मिल गया है। सुषमा स्वराज ने खाड़ी देशों में फंसे ढेरों भारतीयों को कई दफा संकट से बाहर निकाला था। इसी तरह 10 अप्रैल 2018 को सऊदी अरब में देश लौटने वाली हैदराबाद की जनसिंता मेंडोनका ने खुलासा किया कि वो मानव तस्करी का शिकार हुई थी। महिला ने बताया कि उसे वहाँ नौकरानी के नाम पर गुलामों की तरह रखा गया और उसके साथ रोजाना अत्याचार भी किया गया। महिला के मुताबिक उसके पति ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई थी, इसके बाद उसकी स्वदेश वापसी हो सकी। इसके अलावा भी ढेरों ऐसे मामले हैं जिसमें सुषमा स्वराज ने बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की। यहां तक कि विदेश मंत्रालय छोड़ने के बाद भी उनके पास मदद के लिए ट्वीट आते थे जिन पर वो आगे की कार्रवाई के लिए विभाग को आगे बढ़ा देती थी। मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय संभालने से पहले 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के महज 13 दिन के कार्यकाल में सुषमा स्वराज को सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था और वह पहली बार कैबिनेट में शामिल हुई। इसके बाद 1998 में सूचना एवं प्रसारण तथा दूरसंचार मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिला। बाद में उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।